Once upon a time, in a quaint little village, there lived a curious boy named Oliver. Oliver had an extraordinary imagination, and he spent his days daydreaming about the future. He often sat under his favorite oak tree, gazing at the fluffy clouds and weaving tales of wonder. इस वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स नंबर 1 इमेज जनरेट। सबसे पहले हम इमेज जनरेट करेंगे फ्लिकी AI वेबसाइट से। आज हम पहले स्टोरी जनरेट नहीं करेंगे, पहले आप इमेजेस जनरेट कर लीजिए। आपको जिस इमेजेस से स्टोरी जनरेट करनी है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं HD क्वालिटी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की इमेजेस हैं। आप 3D एनिमेटेड कार्टून लिखेंगे और इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 इमेज टू वीडियो। इसके लिए आपको रनवे ML वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट इमेज टू वीडियो पर सेकंड वाले पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से टेक्स्ट से इमेज भी जनरेट कर सकते हैं और इमेज से वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अपलोड ए फाइल पर हम क्लिक करेंगे। हम करेंगे इमेज से वीडियो जनरेट। जो हमने इमेज डाउनलोड की है यहाँ पर हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट। आपको सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ और हमारी इस इमेज की वीडियो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज की वीडियो जनरेट हो रही है और आपको इस इमेज की वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसे आप प्ले करके देख लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। स्क्रीन को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, डाउनलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे और ये इमेज की वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सो आपको 1 by 1 करके सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी है और सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरीके से मैंने सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं इन सभी को कर लेती हूँ डाउनलोड। स्टेप नंबर 3 स्टोरी जनरेट। अब हम करेंगे स्टोरी जनरेट। हमने जो इमेजेस डाउनलोड की थी उसी के हिसाब से हम यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं। जैसे मैंने बॉयज़ की इमेजेस डाउनलोड की थी सो यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ ए बॉय थिंक ऑलवेज फ्यूचर। यहाँ पर एक डिफरेंट स्टोरी जनरेट होकर आ जाएगी। पहले हमने स्टोरी जनरेट नहीं की है। ChatGPT से आपको स्टोरी जनरेट करा लेनी है। आपकी जिस भी टाइप की इमेजेस हैं, जिस तरीके का करैक्टर उसमें शो हो रहा है यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए बॉय थिंक ऑलवेज फ्यूचर किड्स स्टोरी अबाउट 200 words और यहाँ पर हमारी स्टोरी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डिफरेंट स्टोरी जनरेट हो चुकी है। अब आपको इसे कर लेना है कॉपी। यहाँ पर आप इसे कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। स्टेप नंबर 4 वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए हम फ्लिकी AI वेबसाइट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस वाली वेबसाइट का आप लोगो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे और आप इसे साइन अप कर लेंगे। देन आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। किड्स स्टोरी टाइटल लिख देंगे और यहाँ पर आप इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट राइटिंग। सो यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी की स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है। सो यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी की स्क्रिप्ट पेस्ट कर देती हूँ। जो हमने ChatGPT से स्क्रिप्ट जनरेट की थी अपनी स्टोरी की यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है। और अब आप यहाँ पर ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसकी ऑडियो चाहिए और यहाँ से आप प्ले करके सुन लेंगे। देन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड। डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ से इस तरीके से मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ और ये हमारी वॉइस ओवर भी जनरेट हो चुकी है। अब स्टेप नंबर 5 है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए हम कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सभी वीडियो क्लिप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। सो इस तरीके से मैंने सभी वीडियो क्लिप ऐड कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर ऑडियो डालेंगे। यहाँ पर ऑडियो पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करेंगे अगेन से और यहाँ पर फाइल में से हम अपनी ऑडियो सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने फ्लिकी एआई वेबसाइट से जनरेट की थी। आप सर्च बार में लिखेंगे फ्लिकी, सो यहाँ पर आपकी ऑडियो शो हो जाएगी और आप उसे प्ले करके सुन लें और यहाँ पर ऐड कर लें। सो यहाँ पर हमारी ऑडियो ऐड हो गई है और आप वॉइस के हिसाब से वीडियो क्लिप्स को एडजस्ट कर लें। देन यहाँ पर आपको लिखना है सबटाइटल। यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ऑटो कैप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक क्लिप में आपकी पूरी स्टोरी के सबटाइटल्स जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिप में ऑटोमेटिक आपके सबटाइटल जनरेट हो चुके हैं। सो यहाँ पर आप इनका फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और इफ़ेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से सभी कुछ एडजस्ट कर लीजिए आप जिस तरीके से यहाँ पर चाहते हैं। सो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है और प्ले करके आप इसे देख लेंगे। देन यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसे हमें HD क्वालिटी में डाउनलोड करना है। सो यहाँ पर हम इसकी रेशो बढ़ा लेते हैं, HD क्वालिटी कर लेते हैं और यहाँ पर डाउनलोड का आइकन पर क्लिक करके अब आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस तरीके की वीडियो जनरेट कर सकते हैं और अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। सो आपको इसी तरीके से यही स्टेप फॉलो करने हैं और इस तरीके की वीडियो जनरेट कर लेनी है और अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहिए। सो अब आप ये वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। Once upon a time in a quaint little village, there lived a curious boy named Oliver. Oliver had an extraordinary imagination, and he spent his days daydreaming about the future. He often sat under his favorite oak tree, gazing at the fluffy clouds and weaving tales of wonder. I hope you like this video. If you like this video, so please like, share, and subscribe this channel. Thanks for watching. We meet next video. Bye bye.